हमीरपुर के सड़कें राम भरोसे पर हैं। ऐसा लगता है कि वैश्विक बीमारी कोरोना शायद हमीरपुर की सड़कों को भी लग चुकी है। मिल्कीराम पेट्रोल पंप से लेकर पक्का ब्रो, जो कि नीचे डीएबी सलासी व एचआरटीसी वर्कशॉप से लेकर बजूरी तक की रोड की हालत बहुत ही दयनीय है और ये जगह जगह पर सड़क उखड़ चुकी है। हमीरपुर की सड़कें राम भरोसे चल रही हैं। ऐसा लगता है कि वैश्विक बीमारी कोरोना शायद हमीरपुर की सड़कों को भी लग चुकी है। मिल्कीराम पेट्रोल पंप से लेकर पक्का भरो, जो कि नीचे डीएवी सलासी व एचआरटीसी वर्कशॉप से लेकर बजूरी तक की रोड की हालत बहुत ही दयनीय है। जगह जगह पर सड़क उखड़ चुकी है और गड्ढों को भरने के लिए सरकारी तंत्र उसमें मिट्टी और बजरी मिलाकर अपना काम निकाल रहा है, जबकि सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनता को हो रही है। आए दिन नए हादसों का अंदेशा बना रहता है। 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान इस सड़क को पैच वर्क किया गया था, जो कि सिर्फ 2-3 महीनों के बाद ही उखड़ गया और आज इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि दो पहिया वाहनों की गति मात्र 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं हो सकती। पक्का ब्रो स्थित वेटनरी हॉस्पिटल के पास तो सड़क में बहुत गहरे गहरे खड्डे पड़े हुए हैं, जिसको लेकर सिर्फ मिट्टी और बजरी से भरा जा रहा है, जो कि थोड़ी समय बाद बजरी पूरी सड़क पर फैल जाती है। पहले भी इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं और कई बार दो पहिया वाहन स्किट होने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बाईपास हमीरपुर जहाँ पर बाबड़ी बनी हुई है, उसके पास तो सड़क और भी बुरी तरीके से खराब है। एचआरटीसी वर्कशॉप के पास तो कुछ महीने पहले जेसीबी मशीन ने सड़क को उखाड़ा था और लोगों द्वारा ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस सड़क दोबारा बने, परंतु जेसीबी मशीन से उखाड़ने के बाद सरकारी तंत्र उस सड़क को बनाना ही शायद भूल चुका है और आज वहां पर बहुत सारे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिनमें से गाड़ी चलाना तो दूर पैदल चलना भी आम जनता के लिए सरदर्द बन चुका है। लेकिन शायद सरकार इस बात से बेखबर है कि खराब सड़क के साथ साथ इन जगहों पर इतनी धूल मिट्टी बड़ी गाड़ियों द्वारा उड़ाई जाती है, जिससे सुबह सुबह कामकाज की ओर जाने वाले व्यक्ति के कपड़े सुबह ही खराब हो जाते हैं। एमसी और एमएलए ने भी इन सड़कों पर जाने से शायद मना कर दिया है, क्योंकि उनके घरों के आसपास की सड़कें बहुत ही अच्छी, सुंदर और साफ सुथरी हैं। वे तभी उनको इन सड़कों की याद आती है जब अगले चुनाव की तारीख घोषित हो जाती है। सरकारी तंत्र से विनती है कि कृपया इस ओर ध्यान दें, इन खराब सड़कों की मरम्मत सही तरीके से करें, ताकि आम जनता रोज रोज परेशान ना हो सके। कार्यक्रम में वक्त चला, एक छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।